दोस्तों स्वागत है आप सभी को और एक न्यू वीडियो पे। तो आप पिछले एक वीडियो में मेरा एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि ऐसा टी शर्ट मैंने कहाँ से लाया है, मतलब मंगवाया है। अगर आप भी चाहे तो ऐसा टी शर्ट मंगवा सकते हैं। तो कैसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप ऐसा टी शर्ट को ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन से। और लास्ट में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और मन चाहे तो शेयर कमेंट कर दीजिए। और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में घंटा वाला आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट बार वीडियो की अपलोड कर तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो वीडियो को बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको किसी ब्राउज़र में जाना है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप इसको मोबाइल फ़ोन से नहीं कर सकते, तो किसी कंप्यूटर की दुकान पर आप जा सकते हैं। तो ब्राउज़र पर जाने के बाद आपको दो स्टेप्स करना है। फर्स्ट आपको एक यूट्यूब की लोगो, यूट्यूब चाहे फेसबुक की एक लोगो डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पर सर्च करना है YouTube logo png। अगर आप Facebook की logo डाउनलोड करना चाहते तो Facebook logo png लिखकर आपको सर्च करना है। तो सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर इमेज की जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस इमेज के ऑप्शन पे आपको जाना है। तो जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी YouTube की png logo मतलब साइड में जो बैकग्राउंड है व्हाइट नहीं रहेगा, मतलब सिर्फ YouTube लिखा ही आपको देखने को मिलेगा। साइड की जो बैकग्राउंड होता है सब रिमूव हो जाएगा, उसे हम png फोटो कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी png logo आप देख सकते हैं, तो किसी एक को डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन सोच समझ के कीजिए क्योंकि प्रिंट होने के बाद अगर आपका फ़ोटो ज़्यादा ख़राब रहा तो फट जाएगा, इसलिए सोच समझ के देखकर डाउनलोड कीजिए। तो मैंने इस पिक्चर को डाउनलोड किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मेरा यूट्यूब की लोगो वाला पिक्चर, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक कलर है इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो उसके बाद फिर से ब्राउज़र पर जाइए, जाने के बाद सर्च कीजिए vistaprint.com। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दे दिया, आप चाहते हो आप जाकर इसको सर्च कर सकते हो। तो vistaprint.in वेबसाइट पे जाने के बाद आपको फर्स्ट यहाँ पर आपका अकाउंट बनाना है। मैंने पहले एक बार अकाउंट बना लिया तो मुझे लॉगिन करना पड़ा, इसलिए मैंने पहले ही लॉगिन कर दिया। तो फर्स्ट आपको अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या करना है, प्रिंटेड क्लॉथिंग पे जाना है। जाने के बाद फर्स्ट आप देख सकते हैं मेन्स बेसिक कॉटन टी शर्ट। तो इसके अलावा आपको बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि लैपटॉप की बैक की लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी स्टिकर ले सकते हैं, फ़ोटो की एल्बम ले सकते हैं, मग ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ के ऊपर ऑप्शन दिया गया है। आप चाहे तो बहुत सारी चीज़ की ऑर्डर भी कर सकते हैं ऐसे ही फ़ोटो को प्रिंट करके, जैसे कि मोबाइल फ़ोन की कवर होता है। बहुत सारे स्टेप्स बाय स्टेप्स यहाँ पर दे दिया है। मैं जस्ट आपको एक टी शर्ट की लोगो कैसे बनाता है दिखा देती हूँ। तो मेन बेसिक कॉटन टी शर्ट पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर मैन या वुमेन इसका ऑप्शन दिया गया है, इसको सिलेक्ट करना है। तो मैं मैन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो मैन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप दो टाइप की देख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है बेसिक पॉलिस्टर टी शर्ट, उसके बाद है बेसिक कॉटन टी शर्ट। आप किसी एक को चॉइस कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट यहाँ पर इसको चॉइस कर लेती हूँ। तो चॉइस करने के बाद ऐसा पेज आ जाएगा जिस पेज पर आपको बहुत सारी टी शर्ट की लोगो वगैरह एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है। आप चाहे तो इसी पे किसी एक को चॉइस कर सकते हैं। और एक बार आपको बता दूं कि व्हाइट कलर की अगर आप लेंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, मतलब आप 325 यहाँ पर दिया है, 325 देने का आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप ब्लैक कलर की लेना चाहते हैं देख सकते हैं, पर प्लस 100 मतलब 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो चलिए मैं व्हाइट कलर की करके आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पर किसी एक को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने जो टी शर्ट था पर क्लिक करने के बाद फ्रंट आ गया, मतलब यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं आप, टेक्स्ट या आपका फ़ोटो डाल सकते हैं। तो अब बात है कि फ़ोटो हम कैसे डालें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जितना सारा टेक्स्ट आपको दिखाई दे सबको हम डिलीट करेंगे। तो जल्दी से हम डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ डिलीट कर दिया। और यहाँ पर एक रेक्टेंगल जैसे एक चीज़ सर्कल दिया गया है, यहाँ पर आपको आपका लोगो या टेक्स्ट क्रिएट करना है। आप चाहे तो यहाँ पर ऊपर नहीं कर सकते, मतलब इसी रेक्टेंगल के अंदर आपको आपका टेक्स्ट हो या लोगो हो सब डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने जूम कर लिया। करने के बाद यहाँ पर आप फर्स्ट ऊपर लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं टेक्स्ट इमेज मोर, मतलब कलर वाला ऑप्शन। यहाँ पर अंडू रीडू प्रूफ से बहुत सारे ऑप्शन वगैरह दिया गया। यहाँ पर फर्स्ट हम इमेज पे जाएंगे, जाने के बाद माई कंप्यूटर से अपलोड करेंगे कोई भी इमेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब का लोगो मैंने जो डाउनलोड किया था आ चुका है। तो इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं यूट्यूब की जो PNG वाला फोटो है आ चुका है। अब इसे आप क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करके ड्रॉप करके यहाँ पर छोड़ देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रॉप हो चुका है। तो आप चाहे तो कितना छोटा या कम मन चाहे पसंद तक आप इसका साइज दे सकते हैं। कहीं पर भी टच करते सिर्फ इतना सर्कल पर, सर्कल से अगर बाहर निकल जाएंगे आपका
काम नहीं बनेगा, आपको जस्ट यहाँ पर कि आपका लोगो या टेक्स्ट आपको डालना है। और एक बात आप ध्यान से सुनिए, जो पिक्चर आप सिलेक्ट करेंगे उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आपका जो प्रिंट होने वाला है बहुत ही घटिया हो सकते हैं। और अगर आपका पिक्चर अच्छा नहीं हो तो यहाँ पर एक गाइडलाइन दे देगा कि आपका पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं है, प्लीज़ इसे चेंज कीजिए, क्योंकि मेरा पिक्चर क्वालिटी अच्छा है इसलिए यहाँ पर कोई भी रिकमेंड नहीं दिया गया। तो चलिए यूट्यूब की लोगो तो हमने डाल दिया, उसके बाद हमें अगर कुछ टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद एडिट न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एंटर टेक्स्ट के ऑप्शन आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप कुछ एंटर कर सकते हैं, जैसे आपका चैनल की नेम हो या आपका नाम या आप कुछ भी टेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा टाइप कर देती हूँ, तो यहाँ पर मैंने सब्सक्राइबर लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पर आप टेक्स्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, कौन सी स्टाइल पे आप रखना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो एक सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद कलर है, आप चाहे कौन सा कलर तो ब्लैक ही छोड़ देते हो। उसके बाद मोर और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि मिडिल है, राइट लेफ्ट, आप कौन कहाँ पर रखना चाहते हैं। उसके बाद डिलीट, बहुत सारे ऑप्शन है। होने के बाद यहाँ पर छोटा करके नीचे हम छोड़ देते। फिलहाल तो हमारा सामने का जो डिज़ाइन था कंप्लीट हो चुका है। और अब सवाल है कि अगर आप पीछे भी कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं क्लिक करूँ तो पीछे की साइड आ जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं पीछे आप कोई भी फोटो या कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पीछे लिखने के लिए आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं कुछ भी क्लिक करूँगी टेक्स्ट या कुछ भी तो नहीं आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर टेक्स्ट यहाँ पर एक यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद ही आप यहाँ पर टेक्स्ट या कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब पीछे आपको टेक्स्ट डालने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो छोड़िए, हम पीछे नहीं करेंगे, हम सिर्फ फ्रंट पे ही करेंगे। तो उसके बाद आपका जो लोगो और पिक्चर है ह्यूमन की बॉडी के ऊपर दिखा देगी, कैसे देखने को मिलेगा आपको आपका टी शर्ट। तो यहाँ पर आप चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं एडिट पे जाकर। तो अगर आपको सब ठीक ठाक लगता है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो पेज आएगा यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आपका साइज कितना है, जैसे कि स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, एक्सएक्स लार्ज है। तो यहाँ पर आप आपका साइज अनुसार आप यहाँ पर सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे रिकमेंड वगैरह आएगी कि आप इससे माउस पैड ले सकते हैं, आपका कीबोर्ड ले सकते हैं, तो आपका मर्जी आप कौन सा लेंगे। तो अगर आप इसे किसी में से एक और लेना चाहते तो यहाँ पर एडिट टू माय ऑर्डर पे आपको क्लिक करके ले सकते हैं। यहाँ पर प्राइस भी दिया गया है, 275 रुपये आपको लेना है। और आप नहीं लेना चाहते तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर लार्ज एक है, आप चाहे तो 2 भी ऑर्डर दे सकते हैं, 3, 4 आप जितना सा एक्स्ट्रा लार्ज भी ऑर्डर दे सकते हैं, तो आपका मर्जी। उसके बाद यहाँ पर आप जो ऑर्डर देना चाहते हैं, जैसे कि मैं टी शर्ट को ऑर्डर देना चाहते हो तो टी शर्ट पे आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा कितना प्राइस होने वाला है, कहाँ आपको शिफ्ट करना है, सभी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद चेकआउट पे आपको क्लिक करना है, और चेकआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप एड्रेस दे सकते हैं। तो मैंने पहले भी एड्रेस दे दिया इसलिए एड्रेस आपको यहाँ पर डच किया देखने मिलेगा, लेकिन आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट फुल नेम एड्रेस सब कुछ डच करना है, उसके बाद ही आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद पेमेंट की बहुत सारा मेथड आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड सभी से दे सकते हैं, कि अलावा आप कैश ऑन डिलीवरी भी यहाँ पर से कर सकते हैं। तो सिंपल सा ट्रिक, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आप चाहे तो यहाँ पर आपका एड्रेस वगैरह एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जब प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, मतलब ऑर्डर ले लिया जाएगा। उसके बाद जो SMS के द्वारा आपका डेट दिया जाएगा, उस डेट के अंदर आपको आपका टी शर्ट या कोई भी चीज़ इसी वेबसाइट से आपका घर भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं प्लेस ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से एक टी शर्ट है, तो दूसरा मैं ऑर्डर नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आपको 325 रुपये पे करना पड़ेगा। सारी GST और जो प्रोडक्ट प्राइस है सब यहाँ पर दे दिया है, आप देख सकते हैं। और वीडियो की लास्ट में आपसे और एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपको सच में ज़रूरत है इसी टी शर्ट की, फेसबुक की, यूट्यूब की और किसी भी लोगो का, तभी आप ऑर्डर कीजिए, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद होने वाला है, क्योंकि इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है लेकिन आप किस काम पे करोगे इसका यूज़। तो इसलिए सोच समझ के ऑर्डर कीजिएगा। और लास्ट में और एक बात फिर से, अगर पसंद हो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करके जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो पे।